हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं चेंजेस अराउंड अस, एंड ये चैप्टर 6 है। ऑलरेडी हमने 5 चैप्टर तक डिस्कस कर लिया है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यस, एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू। व्हाट अ फन वुड इट बी इफ़ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर टू चेंज थिंग्स अराउंड। ये कितना फन होगा, कितने मज़ेदार होगा अगर आपको अचानक आपको कोई पावर शक्ति मिल जाए जिससे आप क्या करो, अपने चारों तरफ से कोई जो जितनी भी चीज़ें हैं उनको चेंज कर सको। व्हाट आर थिंग्स यू वुड वांट टू चेंज, तो वो क्या चीज़ें होंगी जब अचानक से आपको पावर मिल जाएगी, तो वो क्या चीज़ें होंगी जो आप चेंज करना चाहते हो। ओके, थिंक अबाउट इट। यहाँ पे देखिए एक बच्चा है जो सोच रहा है, ये बच्चा है बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा है जो उसके आसपास है उसको चेंज कर सकता है अगर उसको पावर मिल जाए। वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स ऑफकोर्स, हमारे पास ऑफकोर्स मैजिकल पावर नहीं होता है, बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस, परहैप्स मेनी थिंग्स। तो फिर भी हम क्या कर सकते हैं, अपने आसपास की बहुत सी चीज़ें को चेंज कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास जो हम शायद चेंज कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू, क्या आप उसको एक लिस्ट बना सकते हो कि आपके अराउंड क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या वस्तुएं हैं जो आप चेंज कर सकते हो विद नो मैजिक इन्वॉल्व, जिसमें कोई भी मैजिक इन्वॉल्व नहीं होता, कोई भी पावर की ज़रूरत नहीं होती है। मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने आप चेंज हो जाती है हमारे चारों तरफ। इन द फील्ड द क्रॉप चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो फील्ड है जहाँ पे खेती की जाती है वहाँ पे क्रॉप जो है फसल को बदल बदल के लगाया जाता है, तो अपने आप या चेंज हो जाता है। समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज, ये अपने आप चेंजेज हो रही हैं। क्या होता है जब वेदर चेंज होता है, स्प्रिंग सीजन आता है तो लीव्स गिर जाती है, पत्ते गिर जाते हैं अपने आप, चेंजेस कलर एंड ड्राई आउट, और क्या होता है कलर चेंज हो जाता है और गिर जाता है। द फ्लावर ब्लूम, जो फ्लावर है वो खिलते हैं देन विदर अवे, यानी फिर मुरझा जाते हैं। सुबह से जैसे शाम को देखते हो कि फ्लावर जो होते हैं वो मुरझा जाते हैं और सुबह खिल जाते हैं। द फ्लावर ब्लूम, तो ये मॉर्निंग में होते हैं और ये अब ग्रेजुअली अपने आप चेंजेस होते हैं, इसमें हम कोई हम चेंज नहीं करते हैं। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी, क्या आपके बॉडी में भी कोई चेंजेस होते हैं। योर नेल्स, हमारे जो नेल्स हैं वो ग्रो होते हैं, योर हेयर ग्रोज, वो भी हमारे जो बाल हैं वो भी बढ़ते रहते हैं, हमारी हाइट बढ़ती रहती है। यू ग्रो टालर एंड योर वेट इंक्रीजेज एज यू ग्रो, जितना हमारा एज बढ़ता जाता है हमारा वेट भी इंक्रीज होता जाता है। डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम, क्या आपने रियलाइज़ किया जो चेंजेस होती हैं हमारे चारों तरफ वो अपने आप टाइम टू टाइम होती रहती हैं, ऑल द टाइम होती रहती है। जैसे आपके बाल बढ़ते रहते हैं, नेल बढ़ता रहता है, आपकी बॉडी की ग्रोथ होती रहती है, तो ये चेंजेस है जिसपे हम कंट्रोल नहीं करते, अपने आप चेंजेस होते हैं। कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप्ड टुगेदर, क्या कुछ ऐसे चेंजेस हैं जिनको हम ग्रुप में रख सकते हैं। हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस, हम डिफरेंट टाइप्स के चेंजेस को कैसे ग्रुप में रख सकते हैं। इट माइट हेल्प इफ़ वी फाइंड सम सिमिलैरिटी बिटवीन दैम, अगर हम जो चेंजेस होती हैं उनमें कोई सिमिलैरिटी हमको मिलती है तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा कि हम उसको ग्रुप कर सकते हैं। एक्टिविटी वन में क्या करना है आपको। कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स, क्या जितने भी चेंजेस होती हैं उनको हम रिवर्स कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने ये इसको कट किया, फिर ये कट होने के बाद फिर ये इसमें बन जाता है। जैसे कि आपने बैलून देखा है, बैलून को फुलाने के बाद गैस उसमें हवा डालने के बाद फिर ये अगर आप छोड़ दोगे तो हवा निकल जाएगा, फिर वो पतला सा आपका बैलून बन जाता है। तो ये रिवर्स का मतलब है, यानी किसी चीज़ में कोई चेंज होता है फिर वो थोड़े टाइम के बाद वो फिर उसी में आ जाता है, वो जो पहले था उसी में हो जाता है, उसी फॉर्म में आ जाता है। तो एक्टिविटी वन में क्या करना है, टेक अ बैलून एंड ब्लो इट, आपको एक बैलून लेना है उसको ब्लो करना है, फुलाना है। टेक केयर ऑफ दैट इट डज नॉट बस्ट, और आपको ध्यान से करना है कि वो फट ना जाए। द शेप ऑफ एंड द साइज ऑफ द बैलून हैव चेंज,
तो आपने देखा कि जो सेप है, साइज़ है, वो बलून का चेंज हो जाएगा हवा भरने के बाद। नाउ लेट द एयर एस्केप द बलून। ठीक है, अब क्या करना है, आपको छोड़ देना है। एक्टिविटी टू में क्या करना है, अब एक्टिविटी टू में क्या करना है, टेक अ पीस ऑफ पेपर। तो आपने ये देखा कि बैलून को छोड़ने के बाद वो अपनी कंडीशन में आ जाती है। टेक अ पीस ऑफ पेपर, आपको एक पेपर लेना है एंड फोल्ड इट एज शोन इन फिगर। आप वो फोल्ड करना है जैसे यहाँ पे फिगर पे दिखाया गया, यानी एरोप्लेन बनाया गया यहाँ पे, जैसे हम बना के बचपन में खेलते थे। यू हैव चेंज द सीट ऑफ पेपर इन टू अ टॉय एरोप्लेन। आपने क्या बनाया, एक टॉय बनाया, एरोप्लेन बनाया जो पेपर ऑफ सीट था। यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन। आपको बहुत मज़ा आता है कि इस प्लेन को उड़ाने में। वंस यू आर टायर्ड ऑफ इट, जब आप थक जाते हो उड़ाने से, अनफोल्ड द पेपर अगेन। फिर आपको पेपर को सीधा करके अनफोल्ड कर देना है। एक्टिविटी थ्री में आपको क्या करना है, एक्टिविटी थ्री में टेक सम डो, आपको आटा, जो जो गुथा हुआ आटा होता है उसको लेना है, मेक अ बॉल, उसका एक लोई बनाना है। ट्राई टू रोल आउट रोटी, आपको फिर एक रोटी बनानी है जैसा फिगर में दिखाया गया। मे बी योर आर नॉट हैप्पी विद इट सेप, मे बी ये आपका टेढ़ा बना जाए या फिर इंडिया का मैप बन जाए, एंड विश टू चेंज इट, और आप चाहते हो कि इसको चेंज करें, इट बैक इन टू द बॉल ऑफ डो अगेन। आप इसको फिर क्या करते हो, एक बॉल बना लेते हो, फिर इसको ख़राब हो जाता है तो फिर इसका बॉल बना लेते हो, लोई बना लेते हैं। नाउ थिंक अबाउट थ्री चेंजेस यू ऑब्जर्व एन एक्टिविटी। आपने जो भी ये थ्री एक्टिविटी की उसको ऑब्जर्व करिए कि बैलून को फुलाने के बाद साइज और शेप में चेंजेस हुआ, रोटी बनाने के बाद आपने फिर लोई बना दिया, बैलून को फिर छोड़ दिया, हवा निकल गई, फिर वो नॉर्मल बैलून बन गया, और फिर एक एक्टिविटी आपने की एरोप्लेन बनाया, फिर आपने अनफोल्ड करके फिर कागज़ बना दिया, सीट बना दी। तो आप व्हाट डू दे हैव इन कॉमन, तो उन तीनों में क्या कॉमन है। व्हाट इज़ पॉसिबल टू गेट द बलून बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, क्या ये पॉसिबल था कि बलून को हमने फिर जैसा पहले था ओरिजिनल साइज और शेप में ला दिया। वॉज द साइज ऑफ द पेपर सेम एज बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग एन इम्प्रो, क्या जो साइज ऑफ पेपर है सेम था एरोप्लेन बनाने के बाद और फिर एरोप्लेन को बिगाड़ देने पे, यानी एरोप्लेन को ख़त्म कर देने पे। ख़त्म करने का मतलब कि आप फिर पेपर को अनफोल्ड कर देते हो। वॉज इट पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल ऑफ डो अगेन, क्या ये पॉसिबल था कि हमने फिर रोटी बनाने के बाद फिर हमने वो लोई बना दिया। व्हाट डू यू कंक्लूड, तो आप क्या कंक्लूड करना चाहते हो, चेंजेस क्या हुआ। In each of the three activities, it is possible to get back the material with which we started our activity. तो तीनों एक्टिविटी में हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमने जितनी भी एक्टिविटी परफॉर्म की उसमें जो हमने मटेरियल यूज़ किया था उससे हमने कोई चेंज किया, उससे कोई और चीज़ बनाई, लेकिन फिर हमने ओरिजिनल मटेरियल बना लिया जहाँ से हमने एक्टिविटी स्टार्ट की थी। हमने ये बनाया तो फिर हमने ये बना दिया, तो फिर वापस हमने किया। इफ़ द आंसर इज यस, अगर ऐसा है आंसर यस होगा, इट मीन्स दैट द चेंजेस अकर इन दिस एक्टिविटीज कैन बी रिवर्स। तो इसका ये मतलब है कि जो भी हमने एक्टिविटी परफॉर्म की, बैलून को हमने फुलाया, फिर वो अब छोड़ दिया, उससे हवा निकल गई, फिर वो नॉर्मल बैलून बन गया। तो रिवर्स का मतलब है कोई चीज़ अपने फिर ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है उसमें चेंज करने के बाद। तो ये सारी चेंजेस जो हमने किए वो रिवर्स होती हैं, रिवर्सिबल है। Now let us repeat the same activity with her difference. अब हम क्या करेंगे, वही एक्टिविटी करेंगे बट हम डिफरेंट तरीके से करेंगे, यानी हम डिफरेंट थिंग्स का यूज़ करेंगे। ओके, टेक द सेम बैलून, अब आपको क्या करना, वही एक्टिविटी कर रहे हैं, हमने वही बैलून लिया which we used in activity वन, जो हमने आपने जो activity वन में यूज़ किया था। लो इट इज़ फुल साइज एंड इट्स माउथ विद अ स्ट्रिंग टाइटली, और उसके बाद आपको क्या करना है, फुलाने के बाद आपको उसमें एक धागा टाइटली बांध देंगे ताकि उससे हवा नहीं निकले। प्रिक इट विद द पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल, अब इसको क्या करना है, जो पॉइंट होता है या फिर निडल ले सकते हो, उससे हम इसको बर्स्ट करेंगे। तो इसको इस बलून पे अगर हम पेंसिल की नोक से ऐसे मारेंगे तो ऑब्वियसली ये फट जाएगा, उफ्स इट्स बर्स्ट, यानी वो बर्स्ट हो गया। तो ये दूसरी तरीके से आपने एक्टिविटी परफॉर्म की। एक्टिविटी फाइव में क्या करना, वही एरोप्लेन वाली एक्टिविटी करनी है। टेक द सेम पीस ऑफ पेपर विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी टू, ड्रॉ एन एरोप्लेन ऑन इट एंड कट इट अलोंग इट्स आउटलाइन।
तो आपको फिर एरोप्लेन बनाना है, आपको ड्रॉ करना है, फिर आप क्या करोगे, इसको बीच से कट कर देना है। तो ये साइड से आपने इस एजेस से कट कर दिया, तो फिर देखते हो क्या चेंजेस हो गए। एक्टिविटी सिक्स में आपने क्या, रोल आउट अ रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ डो, आपने जो लोई बनाई थी उससे एक रोटी बनाई है। अगेन बेक इट ऑन तवा, अब इसको तवे पे रोटी को पकाइए, तवे पे रोटी को सेक दीजिए। सपोज यू आर आस्क द सेम थ्री क्वेश्चन विच यू आंसर आफ्टर एक्टिविटी थ्री, तो आपको वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो एक्टिविटी में पूछा गया, जो पहले एक्टिविटी की, व्हाट वुड योर आंसर बी नाउ, कि अब क्या ये जो चीज़ें आपने की उससे पॉसिबल है कि हम जो ओरिजिनल है जो हमने स्टार्ट की थी एक्टिविटी वो चीज़ें बना सकते हैं। जैसे कि आपने रोटी को तवे पे सेक दिया, तो क्या इससे फिर आटा की लोई बन सकती है, फिर आप वो एरोप्लेन को, फिर वो कागज़ बना सकते हो जिसे हमने बीच से कट किया था, और क्या हम बैलून को जिसको हमने बर्स्ट कर दिया, फोड़ दिया, अब क्या हम इससे फिर ओरिजिनल बैलून बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है। We see that the changes which have occurred in activity 4, 5 and 6 cannot be reversed. अब इससे हम वो original चीज़ नहीं बना सकते जो हमने change किया था, अब ये permanent change हो गया, यानी अब हम उसको क्या कर सकते हैं, फिर से original नहीं बना सकते, तो cannot be reversed, अब ये reversible नहीं है। जो चीज़ें हमने यहाँ से start की ये बनाया, अब ये इससे ये बनाना impossible है, तो ये cut कर सकते हैं, ये नहीं बन सकते, cannot be reversed. You use a pencil and eraser, आप एक पेंसिल और इरेजर यूज़ करते हो, with repeated use their shape and size changes, आप लगातार जब अपनी क्लास में यूज करते हो तो उसकी साइज़ और शेप चेंज हो जाते हैं। कैन वी रिवर्स दिस चेंजेस, क्या आप इसको रिवर्स कर सकते हो, ऑब्वियसली नहीं कर सकते हो। यू मस्ट हैव सीन पॉटर वर्किंग ऑन हिज व्हील, आपने देखा होगा जो बर्तन बनाने वाले होते हैं उनका एक व्हील होता है, उसी पे ये बर्तन को रख के बनाते हैं। तो ही सेव्स अ लंप ऑफ क्ले इन टू अ पॉट, उसने क्या बनाया, एक पॉट बनाया जो मिट्टी से। कैन दिस चेंजेस बी रिवर्स, क्या ये चेंज जो उसने किया है ये रिवर्स हो सकता है। ही देन बेक्स द पॉट इन ओवन, ये तो हो सकता है, लेकिन जब इसने ओवन में इसको पका दिया, ही देन बेक्स द पॉट इन ओवन, जब इसने ओवन में पका दिया, नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स, अब ये जब पकने के बाद होगा ये बर्तन जैसा बन जाएगा, तो इसको नहीं चेंज कर किया जा सकता है, जब उसने इसको हीट नहीं किया होगा तो ये हो सकता है। सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, विच ऑफ दीज चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्स, आपको बताना कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रिवर्स हो सकती है, जो चेंजेस हैं वो रिवर्स है। We find that one way we can group changes to it, see if they can be reversed. तो हमने two group में reverse और not reverse में हमने two group में divide किया है, तो आपको इस table में बताना है कौन कौन सी चीज़ें reverse हो सकती हैं और कौन कौन सी चीज़ें नहीं। Okay? So raw egg to boiled egg, तो नहीं हो सकती, cannot be reversed, आपने raw egg जो कच्चा अंडा था लेके आया उसको boil कर दिया तो उसमें चेंज हो जाती है, तो वो फिर हम उसको raw egg नहीं बना सकते। बटर बैटर टू इडली, जो इडली का बैटर होता है, जो जैसे हम बनाते हैं और इडली बना देते हैं बाद में इस बैटर से, तो इडली बनाना, इडली से फिर बैटर बनाना इम्पॉसिबल है, तो ये भी नो हो जाएगा। वेट क्लॉथ टू ड्राई क्लॉथ, ड्राई क्लॉथ से फिर वेट क्लॉथ हो सकता है, पॉसिबल है, कि पानी में डाल देंगे तो गीला है हो जाएगा। वुलन यार्न टू नीटेड स्वेटर, नीटेड स्वेटर से हम वुल यार्न बना सकते हैं। हाँ ऑब्वियसली, ये आपके घर में जब बहुत पुराने जो स्वेटर होते हैं उसको निकाल के थ्रेड, यस ये हो सकता है। ग्रेन टू इट्स फ्लोर, आप आटे से फिर ग्रेन नहीं बना सकते, तो नो। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, ये हो सकता है, रिवर्सिबल है। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू कॉयल स्ट्रिंग, कॉयल स्ट्रिंग से आप स्ट्रेट स्ट्रिंग कर सकते हो तो रिवर्सिबल होता है इसमें। बर्ड टू फ्लावर, अब ये इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। मिल्क टू पनीर, पनीर से आप फिर मिल्क बना नहीं सकते। काउ डंग टू बाइवर्स, ये भी नहीं हो सकता। स्ट्रेच रबर बैंड टू द नॉर्मल साइज, ये हो सकता है। आइसक्रीम टू मोल्टेन आइसक्रीम, तो फिर मोल्टेन आइसक्रीम से आप आइसक्रीम बना सकते हो, अगर फ्रिज में रख सकते हो तो ये कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, क्या कोई अदर तरीका हो सकता है जिससे हम चेंज कर सकते हैं। वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज, हम सब ने देखा है बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं टू डिग द सॉयल, जो यूज़ होते हैं सॉयल को डिग करने के लिए।
Have you ever seen how iron blade in these tools is fixed to wooden handle? तो आपने देखा होगा कि कभी देखा है कि जो आयरन ब्लेड्स होता है जो काटने के लिए यूज़ होता है इस कैसे इसको लकड़ी में फिट किया जाता है. द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज रिंग इन विच वुडन हैंडल इज फिक्स्ड. तो इन जो आयरन ब्लेड होता है इस तरीके से जो कुल्हाड़ी होती है इसमें क्या होता है एक रिंग होता है. इस बीच को जो सर्कल होता है उसको रिंग कहते हैं जिसमें कोई हैंडल फिक्स होता है. नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज. बेसिकली जो रिंग होता है इसमें ये स्मॉलर साइज का होता है देन द वुडन हैंडल. वुडन हैंडल से टू फिक्स द हैंडल. इस हैंडल को इसमें फिक्स करने के लिए रिंग में द रिंग इज हीटेड एंड इट बिकम स्लाइटली लार्जर इन साइज. तो इसको क्या किया जाता है हीट किया जाता है देखो थोड़ा बड़ा साइज का हो जाता है एक्सपेंड हो जाता है इसकी साइज. तो नाउ द हैंडल ईजली फिट इन टू द रिंग. अब क्या होता है आसानी से रिंग हैंडल इसमें फिट हो जाता है एंड कूल्स डाउन इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट्स टाइटली ऑन द हैंडल. अब इसको कूल डाउन करने पे ये एकदम अच्छी तरीके से फिट हो जाता है लूज नहीं होता है. तो इस तरीके से जितने भी यहाँ पे आपको रिंग वाले स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जो कि यूज़ होते हैं डिगिंग में. तो ये देखिए ये रिंग है यहाँ भी रिंग है यहाँ भी रिंग है ये भी रिंग है इसमें इस सब फिट कर दिया जाता है हीट करके. सच चेंजेस इज ऑल्सो यूज फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन वुडन व्हील ऑफ द कार्ट आर शोन इन फिगर टू. सच अ चेंजेस इज ऑल्सो यूज फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन अ वुडन व्हील ऑफ अ कार्ट आर शोन इन फिगर. यहाँ पे दिखाया गया है ये जो मेटल रिम है इसको भी इसमें फिट करने के लिए इसको भी मे बी इसको भी मेल्ट किया जाता हीट किया जाता होगा लकड़ी भी फिट करने के लिए. अगेन द मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर. इसमें भी क्या होता है जो मेटल रिम होता है थोड़ा सा पतला बना छोटा बनाया जाता है जो कि वुडन व्हील में फिट नहीं हो पाता है. ऑन द हीटिंग द रिम एक्सपेंड एंड फिट ऑन टू द व्हील. जब इस रिम को हम हीट करते हैं तब ये वुडन वाले व्हील में फिट हो जाता है. जैसे यहाँ पे फिट हो गया ये जो है ये इसमें फिट हो गया ये रिम. इसको हीट करने पे ये एक्सपेंड हो जाता है इसकी साइज बढ़ जाती है. On heating the rim expand on its fit and fits onto the well. Cold water is then poured over the rim. अब इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाला जाता है which contracts and fits tightly on the well. जो कि इसको contract करता है उसके बाद ये tightly fit हो जाता है. When we heat water in a pan, जब हम एक बर्तन है जिसमें हम water को heat कर रहे हैं it begins to boil after some times. और क्या होता है ये पानी उबलना शुरू हो जाता है. इफ़ वी कंटिन्यू टू हीट फर्दर अगर हम आगे कंटिन्यू करते हैं उसको हीट करना द क्वान्टिटी ऑफ वाटर इन द पैन बिगिन्स टू डिक्रीज. जो पैन में हमने बर्तन में पानी रखा है उसकी जो क्वान्टिटी है यानी मात्रा है वो कम हो जाती है. द वाटर चेंजेज इन टू इट्स वेपर और वो भाप की तरह वेपर बन जाता है. इन एक्टिविटी 7 आपने देखा चैप्टर 5 में यू हैव ऑब्जर्व दैट जो इवेपोरेशन हम कर रहे थे चैप्टर 5 में यू हैव ऑब्जर्व दैट वाटर वेपर गेट्स चेंजेस इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट्स कूल्ड. जो ये वेपर होता है अगर हम इसके ऊपर कोई जो बर्तन है इसको हीट कर रहे थे इसके ऊपर कोई बर्तन से ढक देते हैं तो जितनी भी वेपर होंगी यहाँ पे जाएंगी और ये अब फिर कूल होके लिक्विड बन जाती है. तो यही कह रहा है व्हेन इट्स कूल्ड वी ऑल हैव नोटिस मेल्टिंग ऑफ आइस. हमने आइस को मेल्ट होते देखा है. आइस मेल्ट्स व्हेन इट हीटेड. जब हम आइस को मेल्ट हीट करते हैं तो ये मेल्ट हो जाता है पिघल जाता है. आइस मेल्ट व्हेन इट्स हीटेड व्हाट डज इट चेंजेस इनटू. तब ये आइस जो है लिक्विड में बन जाता है. इट इज़ पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू आइस. क्या फिर ये पॉसिबल है हम इस वाटर को फिर हम आइस बना सकते हैं. फ्रिज में रखने पे आइस बन जाता है. लेट्स अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस. तो कुछ अलग चेंजेस हम देख सकते हैं यहाँ पे. एक्टिविटी 7 में क्या करना है आपको टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विद अ स्केल. आपको एक स्मॉल कैंडल लेना है मोमबत्ती लेना है. अब उसको आपको क्या करना है उसकी साइज को मेजर कर लेना है स्केल से. ठीक है नाउ फिक्स इट एट अ सूटेबल प्लेस एंड लाइट इट. आपको एक फिक्स करना है इसको अच्छी जगह रख देना है. अब उसको लाइट करना है यानी उसको जलाना है. नाउ ब्लो आउट द कैंडल. अब इसके बाद उसको बुझा देना है एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन. अब कुछ टाइम के बाद आप इसके लेंथ को फिर से मेजर करिए. तो यहाँ पे जैसे फिगर में दिखाया गया आपने ये लैंप जला ये मोमबत्ती जलाई कैंडल जलाया फिर इसको तुरंत बुझा दिया.
अब इसको जो बुझा हुआ कैंडल इसकी लेंथ को फिर मेजर करिए। कैन द चेंजेस इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स, क्या ये जो चेंज हुआ है इसको फिर हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ये रिवर्स है? नहीं, ये रिवर्स नहीं होगा। इफ वर टू टेक सम वैक्स इन द पेन एंड हीट इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स? अगर हमको यही काम अगर एक वैक्स के साथ करना है जो मोम होता है, तो इसी को करना है। अगर हम एक वैक्स लेते हैं उसको पैन में हीट करते हैं, कैन दिस चेंज बी रिवर्स? हाँ, ये चेंज रिवर्स होगा, क्योंकि ये पिघल के इसी में रह रहा है और फिर पिघलने के बाद ये सूखने के बाद उतना ही रहेगा, तो जैसे ये दिख रहा है इतना ही रहेगा। तो हीटिंग वैक्स आप देख सकते हो। आपको जो 7 वाली एक्टिविटी है जो हमने कैंडल के साथ की, आपको क्या करना है, एक इंसेंस स्टिक के साथ करना है। जो इंसेंस स्टिक का मतलब होता है वो अगरबत्ती जो पूजा में यूज की जाती है। वेट टिल इट बर्न्स अवे कम्प्लीटली, और आपको जब तक उसको जलाना है जब तक कि वो पूरी तरीके से जल ना जाए। वॉट आर चेंजेज दैट अगर इन द इंसेंस स्टिक, तो आपको देखना है कि अगरबत्ती में क्या चेंजेस हुआ। द स्टिक बर्न्स इन टू द प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल, जो स्टिक है अगरबत्ती है वो पूरी तरीके से जल गई और क्या राख जैसा बना देती है। दीज आर एस एंड सम गैसेस, ये क्या बनाती है, एक एस बनाती है, जैसे क्या सब कैसे राख बनाती है। वी कैन नॉट सी दिस गैसेज बट कैन सेंस देम ड्यू टू देयर प्रेजेंट स्मेल, और गैस रिलीज करती है। तो हम क्या करते हैं, हम बस राख को देख सकते हैं बट हम गैस को नहीं देख सकते, बट हम उसकी स्मेल को जो प्लीजेंट स्मेल होती है उसको महसूस कर सकते हैं, जैसे कि अगरबत्ती पे जलने पे बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। कैन दिस चेंजेस बी रिवर्स, क्या ये जो चेंज है रिवर्स हो सकता है? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, रिवर्स नहीं हो सकता है। एंड वॉट अबाउट द चेंजेस विच अकर्ड इन द मैजेस्टिक यू यूज फॉर लाइटिंग द कैंडल एंड इंसेंसिस्टिक, तो आपको माचिस के बारे में बताना है कि क्या होता है कि माचिस को जलाने के बाद भी क्या वो रिवर्स हो सकता है, तो वो भी नहीं हो सकता। सो फॉर वी हैव डिस्कस दिस चेंजेस अकर इन द गिवेन ऑब्जेक्ट और इट्स मटीरियल, तो हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया चेंजेस जो मटीरियल में होते हैं। वॉट अबाउट द चेंजेस दैट अकर वेन टू सब्सटांसेज आर मिक्स टुगेदर, अब उन मटीरियल की बात करेंगे जब दो सब्सटांसेज आपस में मिक्स होते हैं तो उनमें क्या चेंजेस होते हैं। इन चैप्टर 4 वी डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर, चैप्टर 4 में हमने डिस्कस किया, अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देखें। चैप्टर 4 में हमने देखा कि हमने क्या किया था, सॉल्ट को पानी में डिजॉल्व किया, मिला दिया। डू यू थिंक अ चेंज अकर इन अ सॉल्ट और वाटर, क्या आपको फील हुआ कि जो चेंज हुआ वाटर और सॉल्ट को एक साथ डालने पे? इट इज़ पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज, क्या ये पॉसिबल है इस चेंज को रिवर्स करने के लिए? तो बताइए आप क्या कर सकते हो। जो हमने वाटर को हीट किया था, अगर हम वाटर को हीट करेंगे जिसमें हमने सॉल्ट मिलाया है, बट क्या होगा कि हम ये रिवर्स हो सकता है, ये आपको बताना है। इट इज़ पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंजेस, वेट, इन चैप्टर 5 वी लर्न हाउ टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर, हमने एक मेथड पढ़ा था कि हमने इसको क्या किया था, वी ऑपरेशन होता था, इसमें हमने सेडिमेंटेशन सबकी प्रोसेस पढ़ी थी, फिल्ट्रेशन। तो इसमें हमने देखिए इसको क्या करना, हीट करना होगा जिससे कि जो वाटर है वो तो उसके वेपर बन जाए और उसके ऊपर हम कोई बर्तन कवर कर देते हैं तो जो भी पानी उसमें जाता है वो लिक्विड बन के गिर जाता है और जो सॉल्ट होता है वो नीचे हो जाता है। इसके लिए हमें सैचुरेट देखना पड़ता है कि जितना भी अमाउंट है अगर वो सैचुरेट है तो नीचे बैठा होगा। तो हमें क्या करना है, पानी डाल के उसको सेम अमाउंट ऑफ सॉल्ट हमको लाना है, तो हम पानी डाल के भी ला सकते हैं। तो हमने ये चैप्टर 5 में वी लर्न हाउ टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम द सॉल्यूशन इन वाटर, सो वी से दैट द चेंज ड्यू टू डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर कैन बी रिवर्स, तो हम कह सकते हैं रिवर्स हो सकता है जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था। हाँ, रिवर्स हो सकता है। पहली आस्क इफ़ यू हैव एवर सीन कर्व बीइंग सेट, आपने देखा होगा कि दही जो बनता है, पहली यही पूछ रहे, आपने कभी देखा है जो दही बन जाता है वो अपना, तो दही बन के सेट हो जाता है दूध से। अ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ कर्ड इज एडेड टू द वार्म मिल्क, अगर आपने देखा होगा इस दही को कर्ड को अगर हम मिल्क में डालते हैं गर्म दूध में, द मिल्क इज स्टर्ड एंड उसको हम मिलाते हैं दूध में एंड इज सेट असाइड फॉर अ फ्यू आवर्स एट वार्म प्लेसेस, और हम इसको रख देते हैं कुछ घंटों के लिए। तो क्या होता है, इन फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटों में क्या होता है, द मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड, जितने भी मिल्क हैं वो दही बन जाते हैं। कैन दिस चेंजेस बी रिवर्स, क्या दूध से दही बनाना इम्पॉसिबल है?
तो सॉरी, क्या दही से दूध बनाना पॉसिबल है? नहीं, ये रिवर्स नहीं हो सकता. वी फाइंड दैट फ्यू वेज टू ब्रिंग अबाउट द चेंज इन सब्सटेंस कुड बी बाय हीटिंग इट और बाय मिक्सिंग इट विद सम अदर सब्सटेंसेस. तो हमने देखा कि हम जो चेंजेस कर रहे हैं सब्सटेंसेस को, उसको चेंज कर रहे हैं बाय हीटिंग और बाय मिक्सिंग विद सम अदर सब्सटेंसेस, या फिर किसी और सब्सटेंस के साथ मिक्स करके हम चेंजेस कर रहे हैं. वी ऑल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स. हमें पता लगा कुछ चेंजेस जो हैं वो रिवर्स हैं, वाइल सम अदर्स कैन नॉट बी रिवर्स. और कुछ ऐसे भी हैं जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते. देयर मस्ट बी मैनी अदर वेज टू चेंजिंग थिंग्स अराउंड अस. बहुत ज़्यादा तरीका होता है चेंज करने के लिए जो भी हमारे आस पास चीज़ें हैं. इट पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स. ये संभव है कि कुछ उसमें से रिवर्स हो सकते हैं. दिस चेंजेज अराउंड अस कुड बी ग्रुप्ड एज दोज दैट कैन बी रिवर्स और कैन बी रिवर्स. जितने भी हमारे आसपास चीज़ें हैं उनको हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, जो चेंजेस के बेसिस पे कि वो रिवर्सिबल होती हैं, रिवर्स हो सकती हैं एंड कैन नॉट बी रिवर्स. इन हायर क्लासेज यू विल लर्न मोर अबाउट द वेज इन विच चेंजेस कैन बी मेड, द वे वी दीज कैन बी ग्रुप. आप हायर क्लास में आप पढ़ोगे कि जो चेंजेस होती हैं उनको हम डिफरेंट तरीके से भी ग्रुप कर सकते हैं जब आप हायर क्लास में पढ़ोगे. सो बेसिकली आपने क्या क्या पढ़ा? आपने चेंजेस पढ़ा, कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा, कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा, इवेपोरेशन पढ़ा, एक्सपेंड हो जाते हैं वो भी पढ़ा, एक्सपेंशन पढ़ा, मेल्टिंग पढ़ा. तो ये टर्म्स आपने जो कीवर्ड्स हैं देखे हैं. तो आपने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पढ़ा, यानी जो चीज़ें रिवर्स हो सकती हैं, जो चीज़ें नहीं हो सकती, ये आपने पढ़ा. तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे. और अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.